नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं शिखा। चलिए शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। देहरादून में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान के बाद बनाई गई कमेटी कर रही तेजी से काम। उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात चुनाव में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कही बात। चमोली जिले में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील दिवस का किया गया आयोजन। दून में रैतिक परेड का किया गया आयोजन। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस अवसर पर हुआ आयोजन। अल्मोड़ा जिले में कैबिनेट सतपाल महाराज को मरजुला में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। चमोली में मेले की हुई विधिवत शुरुआत। मेले को लेकर प्रदेश के अलग अलग कोरों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज में पुल के निर्माण कार्य और सिंचाई परियोजना का औपचारिक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जनसंपर्क अधिकारी को बुलाकर लताड़ लगाते हुए कहा कि ये क्या है, मुख्यमंत्री का दौरा है और मीडिया नहीं है। तहसील दिवस में बड़ी संख्या में फरियादियों ने अपनी फरियाद जिलाधिकारी के सामने रखी। जिलाधिकारी ने फरियादियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर वे 24 घंटे के अंदर काम नहीं करेंगे तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। हंगामा होता देख अस्पताल स्टाफ मौके से हुआ फरार। रुड़की और देहात क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर एएसपी हरिद्वार अजय सिंह आ रहे सख्त नजर। एएसपी ने देहात क्षेत्रों में चल रहे गन्ना कोला संचालकों को खुद हिदायत। रुड़की में पुलिस ने चोरों के सामान के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने चोरों को भी किया स्वीकार।